हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सीखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज़ किस तरह से किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का जो यूज़ होता है हमारे पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए होता है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में आप पैराग्राफ को टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने किसी भी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होम टैब पर आपको क्लिक करना है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद आपको सेंटर में एक पैराग्राफ वर्ड दिखाई देगा। इस पैराग्राफ वर्ड के राइट साइड में एक छोटा सा एरो का साइन आपको दिखाई देगा। इस एरो के साइन पर क्लिक करके आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स की एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर दो टैब दिखाई देंगे, एक इंडेंट और स्पेसिंग के नाम से होगा, दूसरा लाइन एंड पेंच ब्रेक के नाम से होगा। तो हम इसमें फर्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे इंडेंट और स्पेसिंग के नाम से। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अलाइनमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फोर टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। डिफॉल्ट अलाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेफ्ट होता है। आप चाहें तो जो भी अलाइनमेंट यूज़ करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। आप अगर जस्टिफाई का यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका पैराग्राफ दोनों तरफ से एक जैसा प्रॉपर दिखाई देगा। उसके बाद हम फिर से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है हमारे पास इंडेंशन को लेकर है, जिसमें लेफ्ट और राइट हमारे पास दो ऑप्शन है। यानी हम इस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से मूव कर सकते हैं और राइट साइड से भी मूव कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होगा, मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड से एक इंच अगर मूव करना है तो आप इसमें वन डालेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा पैराग्राफ जो होगा लेफ्ट साइड से एक इंच मूव करेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप इसको फिर से जीरो कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो राइट साइड से भी सेम कर सकते हैं। आप चाहें तो वन या आधा, जितना भी आप देना चाहें यूनिट वो दे सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका पैराग्राफ राइट साइड से भी एक इंच मूव करेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप फिर से ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद इसमें ऑप्शन होता है एक स्पेशल। स्पेशल के अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। फर्स्ट लाइन से क्या होता है कि आपके पूरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही मूव करती है, और हैंगिंग ऑप्शन से क्या होता है, आपके पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी की जो लाइन होती है वो मूव करती है। इसका तरीका क्या होगा बताते हैं आपको। आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर 0.5 जो कि आधा इंच होता है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर 1 डाल देते हैं एक इंच के लिए और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो एक इंच मूव करती है। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी की लाइन को कराना चाहते हैं तो आप हैंगिंग ऑप्शन को चूज़ करेंगे और साइज आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ की जो अदर लाइन्स हैं फर्स्ट लाइन को छोड़कर वो सभी लाइनें क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप क्या करेंगे, फिर से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें नन ऑप्शन पे क्लिक करके आप ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला जो ऑप्शन है स्पेसिंग का है। स्पेसिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन है बिफोर और आफ्टर, यानी आप अपने पैराग्राफ के पहले और बाद में दोनों तरफ आप स्पेस इनक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से करना है हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विंडो को ओपन करना है। बिफोर अगर आप पैराग्राफ से पहले स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिफोर में यहाँ पर यूनिट को सेट करना होगा। उसका तरीका हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको आधा इंच कम से कम स्पेस चाहिए तो आपको यहाँ पर 36 का यूज़ करना होगा, क्योंकि एक इंच में 72 पीटी होते हैं। यानी अगर आप आधा इंच स्पेस चाहते हैं तो आपको 36 पीटी का यूज़ करना होगा। ठीक है, हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पैराग्राफ से पहले देख रहे हैं आप कि यहाँ पर स्पेस बढ़ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ के बाद में भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें ज़्यादा कर देते हैं, 72 कर देते हैं आफ्टर में और ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे पैराग्राफ के बाद में हमारा एक इंच स्पेस यहाँ पर बढ़ चुका है। तो इस तरह से आप जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं उसमें स्पेस आप बिफोर आफ्टर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसमें ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर में आप रखना चाहते तो यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसमें 12 पीटी कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स की विंडो को ओपन करते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास लाइन स्पेसिंग का है। इसके अंदर हमारा क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग टाइप के लाइन स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास सिंगल। जब हम सिंगल पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो लाइन होती है बिल्कुल एक दूसरी हर एक लाइन के बिल्कुल पास पास होती है। ठीक है, और अगर आप इनमें स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा,
हम इसमें जिस तरह से यहाँ पर डबल पे क्लिक कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक डबल लाइन का स्पेस होगा। ठीक है, अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक मल्टीपल ऑप्शन है उसका यूज़ करना होगा। इस मल्टीपल ऑप्शन के थ्रू आप जितनी लाइन का स्पेस चाहते हैं वो लाइन आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। यानी आपको 5 लाइन का स्पेस चाहिए तो आपको 5 यहाँ पर टाइप करना होगा और ओके पे क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पैराग्राफ की हर लाइन में 5 लाइन का स्पेस आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं। यही सारे ऑप्शन आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो होता है उसके सारे ऑप्शन आपको बाहर ही पैराग्राफ रिबन ब्लॉक में दिखाई देते हैं। जैसे आप देखते हैं ये आपको अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, ये लाइन ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आपको ये इंडेंशन वर्ड दिखाई दे रहा है, आपको आप डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन तो क्या है, आपको भारी पैराग्राफ रिबन ब्लॉक के बाहर ही दिखाई देते हैं, और अगर आप ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विंडो को ओपन करना होगा और आप अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आपने जो हमारी वीडियो देखी है, अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें और हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी वीडियो आपके थ्रू उन तक भी पहुंच सके। और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करते तो उसका इंटीमेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।